बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेपिन के रेंटल सिस्टम के बारे में कि स्टेपिन का रेंटल सिस्टम या लीजिंग सिस्टम कब से स्टार्ट होगा और उसकी क्या अर्निंग होगी। जो स्नेकर को रेंट करेगा उसकी अर्निंग और जो स्नेकर जिसका ऑनर होगा उसकी अर्निंग क्या होगी, तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए, अभी फ़िलहाल स्टेपिन ने अपना बीटा वर्जन लॉन्च किया था, सही है। तो उसके बाद से अभी तक वो मूव टू अर्न में लोगों को पैसे दे रहे हैं, यानी कि आपकी अर्निंग सिर्फ यहीं तक है कि आपने रोज़ाना पैदल चलना होता है या रनिंग करनी होती है, जॉगिंग करनी होती है, जिस तरह का भी आपका स्नेकर है उस हिसाब से आपको वो अर्निंग होती है डेली की, सही है। 10 मिनट 20 मिनट, अगर आपके पास दो जूते हैं, 3 जॉगर्स हैं, तो 30 मिनट, इस तरह करते करते जितनी एनर्जी मिलती है, एक जो एनर्जी मिलती है हमें 0.2 एनर्जी के 0.2 होते हैं ना, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए वॉक करना पड़ता है, सही है। अब मैं बताता हूँ कि रेंट सिस्टम कब आएगा और रेंट सिस्टम में क्या होगा, रेंट सिस्टम में क्या डिटेल है। सबसे पहले इनका हम रोड मैप देखें। अभी तक तो ये टीम ना रोड मैप के हिसाब से चल रही है। Q1 2022 के इन्होंने अपना ऐप को फंक्शन में ले आए थे, उसके बाद इन्होंने मार्केट प्लेस लॉन्च की थी और मार्केट प्लेस के फौरन बाद इन्होंने IEO कराया था, जो कि बाइनेंस पे हुआ था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और अभी भी ये टोकन ऑफरिंग प्राइस से 200x ऊपर है, यानी कि $0.01 इसकी ऑफरिंग प्राइस थी और इसकी अभी प्राइस जो $2 है कॉइन मार्केट कैप पे GMT, सही है। फ़िलहाल लोग GST अर्न कर रहे हैं, Level 30 से पहले आप GST अर्न कर रहे हैं, Level 30 के बाद आप GMT आपने अर्न करना है। अब बात करते हैं रेंटल सिस्टम की कि रेंटल सिस्टम कब से आएगा। रेंटल सिस्टम आएगा जी 2022 के Q3 में, सही है। रेंटल सिस्टम आएगा 2022 के Q3 में, यानी कि सितंबर में आएगा। इनके रोड मैप में भी लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं, आपको मैं क्लियरली जाके दिखाता हूं कि इनके रोड मैप में क्या लिखा हुआ है, सही है। आप स्टेपिन के रोड मैप में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे 2022 Q3 जुलाई में अचीवमेंट सिस्टम होगा, अगस्त में क्वेस्ट सिस्टम और सितंबर में रेंटल सिस्टम होगा, सही है। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको जूता रेंट पे लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते बेचारे, एकदम $1,000 $2,000 का जूता नहीं ले सकते, इवन कि इसमें ऐसे ऐसे जूते जो $50,000 के भी हैं, सही है। तो जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो डायरेक्ट रेंट कर पाएंगे, सही है। जूता आएगा, जो रेंटल सिस्टम है वो आएगा सितंबर में। अब अर्निंग कितनी होगी इसमें, भाई मैं अर्निंग आपको बता दूं, सही है। हम आते हैं इनके लाइट पेपर में, आपको बताऊं इनके लाइट पेपर में जैसे ही आप आएंगे तो इस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। नीचे आप सबसे नीचे आएंगे तो यह आप देख सकते हैं जी, इसमें इनका पूरा टोकनॉमिक्स है और यहाँ पर टोकनॉमिक्स के नीचे रेंट सिस्टम की डिटेल भी है, यानी कि 30% जो अमाउंट होगी, जो अर्निंग होगी, वो रेंटर को मिलेगी और 70% ऑनर्स को, यानी कि मेरे पास एक स्नेकर है जिसकी डेली अर्निंग हो रही है 20 GST टोकन, सही है। तो उसमें से 14 मुझे मिलेंगे और 6 अगले बंदे को मिलेंगे, 10 अर्निंग है तो 7 मुझे मिलेंगे, 6 जो मुझसे रेंट पे करेगा उसको मिलेंगे, सही है। तो ये था रेंटिंग सिस्टम। रेंटिंग सिस्टम की पता नहीं फ़ीस क्या होगी, फ़ीस होगी भी तो वो आपको शायद जूता अपना रेंट पे ऑक्शन पे लगाना पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम वगैरह वो अपग्रेड करके लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तक ये डिटेल है कि सितंबर तक रेंटल सिस्टम नहीं आने वाला, तो सितंबर तक आप जितने मर्जी जूते जमा कर सकते हैं कर ले। और दूसरी बात यह कि मैंने ये भी सुना है कि इसमें टोटल जो है ना 10,000 जूते मिंट होंगे, उसके बाद जूता कोई मिंट नहीं होगा। तो आपके पास जितने शूज़ हैं आप कोशिश करें अपने पास रखें, आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी अर्निंग डबल ट्रिपल हो जाए, सही है। तो रिस्क है लेकिन आप कोशिश करें कि मिंट करें, मिंट नहीं कर सकते तो फिर वेट करें रेंट का, रेंट सिस्टम आएगा तो उस वक्त आप अर्निंग कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।